everyone, welcome to Anna Academy Law. My name is Neha and I'm your educator for CLAT and other law entrance exams. This is our session जिसमें हम discuss करने जा रहे हैं about a very very landmark case जिसके बारे में आप सबने सुना होगा कभी ना कभी तो जरूर, विशाखा versus state of Rajasthan. ठीक है, so this is one of the must know cases this case led to the formation of Vishakha guidelines and ultimately it led to the formation of the Act which talked about sexual harassment against workplace ka prevention, protection, etc. etc. TK, so we are going to discuss about this case and how it ultimately the act was formed and us act mein kya cheeze hain, to wo sari cheeze hum aaj ke session mein discuss karenge from the very beginning. Hi everyone, hi Amartya, hi Gamer 47, hi Rishabh. But before that, I'll just take a moment and introduce myself. मेरा नाम नेहा है, मैंने अपना LLM किया है University of Birmingham से 2020 में. मैंने अपना BLLB किया UPS देहरादून से 2019 में. I was awarded with the Harding International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. मेरे पास teaching और mentoring experience of about 4 years. ये case अभी नहीं आया, ये बहुत पुराना case है. अच्छा, before we begin, just एक छोटा सा announcement कि अभी March 22nd, that is आज से लेकर के 26th March तक, there is an offer going on, जहाँ पे on 3 months का plus subscription you're going to get flat 1000 rupees off apart from the 10% discount that you're going to get on using my code, that is lawyer up. ठीक है, तो मेरा कोड यूज करने पे आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा और ये 4 दिनों में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको और एडिशनल 1000 rupees ऑफ मिलेगा. सो दिस इज एन ऑफर विच इज देयर फॉर क्वाइट सम लिमिटेड टाइम, सो प्लीज गो अहेड एंड टेक योर सब्सक्रिप्शंस इफ यू वांट टू. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लेबर लॉ कंप्लीट हो गया है हांजी और कॉन्स्टी कंप्लीट हो गया है हांजी, दोनों कंप्लीट हो गया है. ठीक है, कंप्लीट कॉन्स्टी भी हमारे स्पेशल क्लासेस पे आई हैव कंप्लीटेड एंड लेबर लॉ भी कंप्लीटेड इन यस्टरडे सेशन, जिसमें हमने एम्प्लॉयज इंश्योरेंस की बात की थी एंड देयर वाज अ वीडियो व्हिच वाज अपलोडेड अबाउट एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन. सो यस, ठीक है, जाने से पहले एक ओपन हाउस सेशन प्लीज. अच्छा ठीक है ऋषभ, फॉर श्योर. ओके देन, सो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इस केस के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. बट बिफोर दैट, कैन यू प्लीज लेट मी नो इफ आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी क्लियरली? हाई प्राइम नियो, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग. हाउ आर यू? गुड इवनिंग. आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल, राइट? ओके देन, अमेजिंग. ठीक है, लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन ऑन दिस केस. यार रिविजन मैराथन कॉन्स्टी का तो मैंने कर रखा है यूट्यूब पे ही. देर आर लाइक आई थिंक 4 सेशंस जिसमें कंप्लीट रिविजन किया है मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का. और लेबर लॉ का तो मुश्किल लग रहा है अभी रिविजन मैराथन करना, बिकॉज आई हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट एंड आई हैव टू स्टार्ट एंड कम्प्लीट इंटरनेशनल लॉ इन दोज 8-9 days जो भी हैं मेरे पास अभी बचे हुए. ठीक है, सो आई थिंक आई विल बी फोकसिंग ऑन टीचिंग इंटरनेशनल लॉ इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रिविजन मैराथन ऑफ लेबर लॉ. अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचा और अगर मेरे पास मेरे आवर्स अगर बचे रहे तो आई विल टेक अ लेबर लॉ का रिविजन मैराथन, आई विल लेट यू नो. ठीक है, ओके देन. अरे अमित्या, ओहो, you will have the videos, right? So just देख लेना. whenever you feel like सुनने का मन है, I'm clearly visible and audible. Hi Shweta, good evening. Okay, Vishakha versus state of Rajasthan. Starting with our discussion, सबसे पहले let's see Vishakha versus state of Rajasthan जो है ये 1997 का case है. ठीक है, so ये case जो है file हुआ था in response of an event or a case that had happened इसके पहले. ठीक है, और उसका जो जजमेंट आया था उसके sort of उस जजमेंट के रिएक्शन में ये पेटिशन फाइल किया गया था बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है विशाखा. ठीक है, सो लेट्स सी कि केस क्या था एग्जैक्टली, क्या केस था, उसमें क्या जजमेंट था, क्यों उसके रिस्पॉन्स में ये पेटिशन फाइल किया गया था, लेट्स सी. ठीक है, सो हो सके तो ले लेना. वाई आर यू लीविंग?
ऋषभ, मैंने मेरी मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाई आई एम लीविंग, एंड जो भी, आई थिंक आई हैव केप्ट यू अप टू डेट विथ व्हाट एवर वॉज हैपनिंग, एंड या ओके देन. ठीक है, सो हुआ क्या था, फैक्ट्स क्या है इस केस के, कि भवरी देवी जो है शी वॉज एन इंडियन सोशल वर्कर फ्रॉम दिस प्लेस कॉल भटेरी, राजस्थान. ठीक है, यहाँ पे शी वॉज अ सोशल वर्कर, जहाँ पे एक्चुअली उनको उनका काम था. शी वॉज अ पार्ट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट का विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है, और इस प्रोग्राम के अंदर उनका काम था अवेयरनेस स्प्रेड करना अबाउट हाइजीन एंड फैमिली प्लानिंग एंड नेसेसिटी ऑफ एजुकेटिंग गर्ल्स, और उसके साथ साथ कैंपेन करने का काम था उनका अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, डाउरी, चाइल्ड मैरिज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट भवरी देवीज वर्क वॉज. शी वॉज एसोसिएटेड विद द विमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, एंड दिस इज व्हाट हर वर्क इंटेल्ड. ठीक है, फिर क्या हुआ कि एज अ पार्ट ऑफ हर ड्यूटी, एक बार क्या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची की शादी की करवाई जा रही थी. ठीक है, शी वॉज गेटिंग मैरिड रामकरण गुज्जर्स. ठीक है, वो इनकी इनकी बेटी थी और इनकी शादी कराई जा रही थी. सो वॉट शी एज अ पार्ट ऑफ अ जॉब वो गई उस शादी को रुकवाने के लिए, राइट, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट कैंपेन करना भी इनका काम था. ठीक है, सो हाँ ASDF. ठीक है, सो क्या हुआ कि सबसे पहले तो शी वॉज पुट फॉरवर्ड टू सोशल पनिशमेंट फॉर स्टॉपिंग द मैरिज. एक तो सोशल पनिशमेंट उनको ये मिली कि शी लॉस्ट हर जॉब. दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पीपल. ठीक है, ये जो रामकरण गुज्जर्स जो थे दे वर क्वाइट इन्फ्लुएंशियल पीपल. एंड क्या हुआ कि जब उन्होंने शादी रुकवाने की कोशिश की तो शी लॉस्ट हर जॉब एज अ रिजल्ट. एंड उसके बाद भवरी देवी से रिवेंज लेने के लिए 5 मेन फ्रॉम द गुज्जर फैमिली अटैक्ड भवरी देवीज हस्बैंड एंड भवरी देवी के साथ ब्रूटली गैंग रेप किया. ठीक है, और उसके बाद भी सिंस आई सेड कि ये जो फैमिली थी ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, पुलिस ने भी पूरी कोशिश की, सारे ट्रिक्स लगाने की कोशिश की कि भवरी देवी जो है वो कंप्लेंट फाइल ना कर पाए इस पूरे सिचुएशन के अगेंस्ट. ठीक है, और ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन करने में भी डिले हुआ, जिसकी वजह से जो मेडिकल एग्जामिनेशन था वो 52 आवर्स डिले हो गया. एंड जब फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें कोई रेफरेंस रेप का मेंशन ही नहीं किया गया था. ठीक है, सो दिस इज what the facts of this case are. ठीक है, there was this social worker भवरी देवी. ठीक है, वो women's development program, राजस्थान गवर्नमेंट के women's development program के अंदर काम करती थी. as a part of the program उनका काम क्या क्या था, awareness फैलाना hygiene के बारे में, family planning के बारे में, why गर्ल्स को एडुकेट करना ज़रूरी क्यों है उसके बारे में, उसके बाद और उसके अलावा कैंपेन करना फीमेल फीटिसाइड के अगेंस्ट, इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट, डाउरी, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट. ठीक है, हाय हिमांशी, गुड इवनिंग. और अल्टीमेटली क्या हुआ कि एज अ पार्ट ऑफ हर जॉब, एक बार गुज्जर एक फैमिली थी वहाँ पे जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की शादी कराई जा रही थी, 9 मंथ्स ओल्ड. ठीक है, 9 महीने की छोटी सी बच्ची थी, उसकी शादी कराई जा रही थी. तो वो अपने उनका काम था, वो गई शादी रुकवाने के लिए. तो उस बीच क्या हुआ कि सिंस दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो एक तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, उनकी नौकरी चली गई सो अलग. एंड उसके बाद एज रिवेंज जो गुज्जर फैमिली थी उसमें से दे वर 5 पीपल जिन्होंने भवरी देवी के हस्बैंड को बहुत मारा पीटा, बहुत दे अटैक्ड हिम एंड भवरी देवी के साथ गैंग रेप किया. ठीक है, एंड नाउ सिंस दीज पीपल वर सो इन्फ्लुएंशियल, जो पुलिस थी वो भी पूरी कोशिश कर रही थी कि कंप्लेंट ना फाइल हो, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल ना हो, जिसकी वजह से देर वॉज अल्टीमेटली कंप्लेंट फाइल हुआ, बट देर वॉज अ डिले इन इन्वेस्टिगेशन. और जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो भी करीब 52 आवर्स डिले हो गया. ठीक है, और अल्टीमेटली जो रिपोर्ट आई भी उसमें भी रेप का कोई रेफरेंस दिया ही नहीं गया था. ठीक है, सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर गाइज? अभी फैक्ट समझ में आए इस केस के? लेजिस्लेशन, या ट्रू, एग्जैक्टली. ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े. तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि भवरी देवी ने फाइल किया
क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर्स. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने इन लोगों को अक्विट कर दिया, जो अक्यूज थे उनको अक्विट कर दिया ट्रायल कोर्ट ने. ठीक है, क्योंकि एवरी वन इंक्लूडिंग द विलेज अथॉरिटीज, डॉक्टर्स, पुलिस, सब ने उनके सिचुएशन को डिसमिस कर दिया, भवरी देवी के सिचुएशन को मतलब. ठीक है, जो भी उनका कंप्लेंट था सब ने उसको जिसको सब ने डिसमिस कर दिया. फिर क्या हुआ कि ये ट्रायल कोर्ट का डिसीजन था. ठीक है, अब ये दिस हैपेंड एंड इसके बाद ऑब्वियसली दिस केस एक्चुअली बिकेम वेरी यू नो बहुत प्रोफाउंड हो गया ये केस. एंड इसके बाद जितने भी विमेन एक्टिविस्ट थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे चोज नॉट टू स्टे साइलेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होने लगे अगेंस्ट दिस ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था, राइट, जिसमें अक्यूज को अक्विट कर दिया गया था, इसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे. अल्टीमेटली देर वॉज अ विमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ विशाखा, इन्होंने एक PIL फाइल किया. ठीक है, उन्होंने एक PIL फाइल किया जो कि इस चीज पे फोकस करता था कि इट फोकस्ड ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ विमेन एट द वर्क प्लेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द नीड टू प्रोटेक्ट देयर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. सो इस चीज पे फोकस करते हुए विशाखा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक PIL फाइल किया. ठीक है, ठीक है, इफ शी हैड फाइल्ड, सी इनिशियली ये क्रिमिनल केस था तो ये तो इनिशियली किसी मतलब लोअर कोर्ट में ही फाइल होता. सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे केस तब फाइल हो सकता है जैसे कि इस PIL में किया गया कि भाई इनका इनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं बहुत सारे, तो उस चक्कर में या उस उसके बेसिस पे देयर वाज अ कंप्लेंट डायरेक्टली फाइल टू द सुप्रीम कोर्ट. बट अदरवाइज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना तो पॉसिबल नहीं होता है, राइट. सो दिस PIL वाज फाइल्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन विशाखा, जिसमें उन्होंने बोला कि जब विमेन वर्कप्लेस पे काम करती हैं तो अ लॉट ऑफ टाइम्स उनका आर्टिकल 14, 15, 19, 21 जो है वायलेट होता है. आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, 19 राइट टू फ्रीडम एंड 21 राइट टू लाइफ. क्यों? बिकॉज ऑफ सच इंस्टेंसेज, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह के जो इंस्टेंसेज होते हैं इनकी वजह से इनके ये सारे राइट्स जो हैं ये वायलेट होते हैं. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन राइट्स को एनफोर्स किया जाए सो दैट वुमेन कैन सेफली वर्क एट देयर वर्क प्लेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट इन देयर वर्क प्लेसेस. ठीक है, तो इस चीज के डिमांड करते हुए ये PIL फाइल की गई थी एंड देयरफॉर दिस केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है, अभी समझ में आ रहा है गाइस, यहां तक हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से थम्स अप देके बताओ इफ दिस इज क्लियर. यस, शी कुड अब कुड हैव वुड हैव तो हो गया, इट्स डन. अल्टीमेटली हुआ क्या इस केस में वो बात करते हैं. ठीक है, इश्यूज क्या उठाए गए इस PIL में, तो इश्यूज ये थे कि क्या फॉर्मल गाइडलाइंस की जरूरत है किसी भी वर्क प्लेस में जहाँ पे देयर आर इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग सेक्सुअल हैरेसमेंट. क्या ऐसे वर्क प्लेसेस में किसी फॉर्मल गाइडलाइंस की जरूरत है सो दैट ऐसे इंसिडेंट्स ना हो? दूसरी चीज, वेदर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस अमाउंट्स टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ वुमन. क्या फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं किसी औरत के अगर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है एट अ वर्क प्लेस? दिस वॉज द सेकेंड इशू. तीसरी चीज कि क्या एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट बाई इट्स एम्प्लॉई और टू इट्स एम्प्लॉयज एट अ वर्क प्लेस? अगर उनके ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो क्या इसमें एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं? ठीक है, तो ये इशूज जो हैं उठाए गए इस पर्टिकुलर केस में. ठीक है, सो दीज इशूज वर टेकन अप इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसके बाद क्या हुआ कि ये जो रिट पिटिशन फाइल हुआ, यहाँ विशाखा
ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो ये था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट्स एट वर्क प्लेसेस बहुत कॉमन है और एम्प्लॉयर जो है दे ऑफन गेट अवे विथ इट इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट लेजिस्लेशन, क्योंकि हमारी कंट्री में कोई एडिक्वेट लेजिस्लेशन नहीं है. हम 1997 की बात कर रहे हैं, राइट? तो 1997 में देर वॉज नो एडिक्वेट लेजिस्लेशन विच यूज टू डील विथ सच सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी. एंड एम्प्लॉयर यूज टू गेट अवे विथ सच इंस्टेंसेस. एंड ऑल्सो कि ये जो एक्ट्स हैं ये वायलेट करते हैं द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी, ऑब्वियसली राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 19(1)(g) जो कि बात करता है कि हर किसी को, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ यू नो एक्सरसाइजिंग एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड प्रोफेशन ऑफ देयर चॉइस, राइट? तो उस पर भी ये उसको भी ये वायलेट करता है. एंड आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो जो विशाखा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स थे वो ये थे, ठीक है? सो दीज वर द आर्ग्यूमेंट्स. एंड ऑल्सो एक रिक्वेस्ट डाली गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो एक प्रॉपर गाइडलाइंस फ्रेम करे ताकि इस तरह से वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है? इस केस का जजमेंट किस कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है श्वेता, ठीक है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है. ये जो PIL फाइल किया गया है, ये रिट पिटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था, ठीक है? क्लियर है अभी यहाँ तक सब? इज दिस क्लियर? इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे ये समझ में आया? एंड अल्टीमेटली ये भी रिक्वेस्ट किया गया कि कोर्ट को गाइडलाइंस फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है? हाउ मच ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोसेस इज देयर बिटवीन फाइलिंग केस इन क्रिमिनल कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, लाइक इफ इश्यूज और ऑफेंडर्स आर वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल और समवन बिग पर्सन, एक्चुअली अमर्त्या नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स कोर्ट है फॉर अ रीजन, राइट? सो आफ्टर यू हैव मोस्ट ऑफ द टाइम्स आफ्टर यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर रेमेडीज अल्टीमेटली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, विच अनफॉर्चुनेटली टेक्स ईयर्स, अ लॉट ऑफ ईयर्स, राइट? सो ये है. बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास एज अ मैटर ऑफ राइट आप डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स वगैरह के केस में जा सकते हो, ठीक है? बट जनरल रूल यही है सुप्रीम कोर्ट के साथ या हाई कोर्ट के साथ फॉर दैट मैटर, कि आप हाई कोर्ट भी सीधे सीधे नहीं जा सकते. यू हैव टू एग्जॉस्ट ऑल योर रेमेडीज बिफोर यू नो मूविंग टू द हाई कोर्ट, ठीक है? सो तो ये हुआ, ठीक है? यहाँ पे अब इट वॉज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सरप्राइजिंग कि उस टाइम पे जो सोलिसिटर जनरल थे जो कि रिस्पोंडेंट्स के बिहाफ पे जो अपीयर कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी पेटिशनर्स का सपोर्ट किया, ठीक है? उन्होंने भी पेटिशनर्स का सपोर्ट किया और उन्होंने बोला, उन्होंने इनफैक्ट दे असिस्टेड द सुप्रीम कोर्ट इन सॉर्टिंग आउट एन इफेक्टिव मेथड टू कर्ब सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर्मुलेट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट इट. नाउ दिस इज समथिंग विच डजेंट हैपन ऑल द टाइम, राइट? कि जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो भी पेटिशनर्स के सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्डेंट्स जो है दे असिस्टेड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सॉर्टिंग आउट एन इफेक्टिव मेथड टू कर्ब सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड फॉर्मुलेट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट इट. सो विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये. सो रिस्पॉन्डेंट्स यहाँ पे स्टेट ऑफ राजस्थान था, राइट? सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट्स थे दे ऑल्सो असिस्टेड द सुप्रीम कोर्ट इन इन फाइनली फॉर्मुलेटिंग गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्शुअल हैरेसमेंट इन एट वर्क प्लेसेस, ठीक है? उसके बाद कोर्ट ने अल्टीमेटली ये हेल्ड किया कि सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस जो है इट इंडीड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15, 19(1)(g) and 21. सो सुप्रीम कोर्ट अग्रीड विथ विशाखा, जो पेटिशनर्स थे उनका जो आर्ग्यूमेंट था उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया और बोला कि हाँ, दिस एक्चुअली वायलेट्स ऑल दीज आर्टिकल्स. एंड ऑल्सो कोर्ट ने डिफाइन किया सेक्सुअल हैरेसमेंट को किस तरह से, किसी भी तरह का अनवेलकम सेक्सुअली डिटर्मिंड बिहेवियर, जैसे कि फिजिकल कॉन्टैक्ट करना, फिजिकल एडवांसेस करना, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर्स को, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स देना किसी लड़की की तरफ, पोर्नोग्राफी दिखाना उसको बिना उसके विल के, या किसी भी तरह का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट करना सेक्सुअल नेचर का, ये सारी चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएंगी. तब जो है हमारा सेक्शन 354A भी एडिड नहीं था IPC में. सेक्शन 354A जो है इट हैज़ बिन एडिड इन 2013 में इसको ऐड किया गया है, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को अलग से एक ऑफेंस बना दिया गया है, ठीक है? बट जो डेफिनेशन है सेक्शन 354A में वो भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर है टू व्हाट द सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एज बैक इन 1997.
ठीक है. ऑल्सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने अक्नॉलेज किया कि हाँ देर इज लैक ऑफ एडिक्वेट लेजिस्लेशन एंड डेफिनेटली लूपहोल्स हैं जिसकी वजह से ऐसे हीनस क्राइम्स जो हैं ये होते रहते हैं, दे आर थ्राइविंग. ठीक है, सो देर इज अ नीड टू हैव एन एडिक्वेट लेजिस्लेशन. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी. ठीक है, सो दिस इज वॉट हैपेंड सो फार इन दिस पर्टिकुलर केस. इज दिस क्लियर गाइज? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? एक बार प्लीज जल्दी से मुझे थम्सअप देके बताओ इफ दिस इज क्लियर. यू कॉन्ट डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट इन द रिसेंट टाइम्स क्योंकि इतने ज़्यादा इस तरह के क्राइम्स होने लगे थे कि बाय ऑल दीज अमेंडमेंट्स प्रोसीजरल कोड में भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं सो दैट यू नो इतना मुश्किल ना रहे विक्टिम्स के लिए टू यू नो गेट देयर केसेज अक्रॉस, गेट देयर केसेज हर्ड. दिस इज जीरो एफ आई आर वगैरह का कॉन्सेप्ट है कि यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अ पर्टिकुलर जिस पुलिस स्टेशन में के जूरिस्डिक्शन में आप हो, आपको सिर्फ उसी जूरिस्डिक्शन में आप केस फाइल करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप किसी भी जूरिस्डिक्शन में जाकर के केस फाइल कर सकते हो इन इन सच केसेज. ऐसे अगर ऐसे सिवियरिटी वाले केसेज हैं तो इन दीज केसेज, सो डेफिनेटली देर हैव बिन सर्टन अमेंडमेंट्स जिसकी वजह से ये जो पोलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट है इसको कर्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है. बट हाँ, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट एनी विच वे अप्रोच नहीं कर सकते बिफोर यू नो सॉर्ट ऑफ अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो वो केस ले ले. ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ये जो आपके कठुआ वगैरह वाला जो गैंगरेप केस था, इन सारे केसेस में कोर्ट्स ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था, तो ये हो सकता है. ठीक है, कि खुद से जो कोर्ट है वो खुद से कॉग्निजेंस ले ले, दिस कैन बी डन. ठीक है, सो द कोर्ट मेड अ स्पेशल मेंशन. कोर्ट ने एक स्पेशल मेंशन ये किया कि जनरल इक्वालिटी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी विच इज अ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज बेसिक ह्यूमन राइट. हाय अनुष्का. ठीक है, सो ये जेंडर इक्वालिटी, सो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 को और आर्टिकल 21 को भी एड्रेस करते हुए कोर्ट ने बोला कि जेंडर इक्वालिटी जो है इसके अंदर ये भी आता है कि प्रोटेक्ट किया जा सके लोगों को फ्रॉम सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड राइट टू वर्क विद डिग्निटी. ये उनका फंडामेंटल राइट है, ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज बेसिक ह्यूमन राइट है. ठीक है, नाउ द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी वेन द woman has reasonable grounds to believe that objecting to sexual harassment would disadvantage her in her employment in terms of recruiting or promotion or the creation of a hostile work environment. Court ne article 15 right against discrimination ke case mein ye note karte hue bola ki ye discriminatory hai ki agar kisi woman ke sath aisa kuch incident hua hai, you know, aisa kuch sexual harassment ka incident hua hai and she has reasonable grounds to believe ki agar wo complain karti hai iske against to अल्टीमेटली होना जाना कुछ नहीं है, होगा सब कुछ उसके खुद के डिसएडवांटेज के लिए कि मे बी उसी का जो एम्प्लॉयमेंट है हो सकता है वही टर्मिनेट कर दिया जाए, उसका प्रमोशन रुकवा दिया जाए, हो सकता है कि जो लोग हैं उसके ऑफिस में वो उसी के अगेंस्ट हॉस्टाइल हो जाएं. तो इफ़ शी हैज़ रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा एंड दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट एबल टू यू नो रिपोर्ट सच इंस्टेंसेस, तो ये है डिस्क्रिमिनेटरी. ठीक है, सो दिस इज़ अगेंस्ट आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, एंड ऑल्सो सेक्शुअल हैरेसमेंट में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है. इट डजन ऑलवेज हैव टू बी सेक्शुअल, टू बी सेक्शुअल हैरेसमेंट इट डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट. इवन इफ सपोज कोई हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है बाय क्रैकिंग लूड जोक्स, घटिया जोक्स क्रैक करके, वर्बली किसी को अब्यूज़ करके, किसी के अगेंस्ट रूमर सर्कुलेट करके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेक्शुअल हैरेसमेंट के अंदर आ सकती हैं. ठीक है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. इज दिस क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? यस, अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप देके जल्दी से बता दो सो दैट वी कैन मूव अहेड.
यस दे डू, दे कैन गेट कॉम्पेंसेशन फॉर दैट, यस ठीक है. सो इसके आगे अभी हम और डिस्कशन करेंगे कि अल्टीमेटली हुआ क्या, क्या कोर्ट ने अल्टीमेटली जजमेंट दिया, एंड उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस जो फ्रेम हुई उसमें क्या बातें की कही गई, एंड अल्टीमेटली विशाखा गाइडलाइंस जो है इट वॉज इन प्लेस फॉर लाइक 12-13 ईयर्स, और उसके बाद अल्टीमेटली वी हैव फाइनली वी हैव अ प्रॉपर लेजिस्लेशन अगेंस्ट दिस. तो वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी वॉक यू थ्रू अनअकैडमी प्लस और उसके फीचर्स गाइज. इफ यू हैवंट टेकन अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आई हाईली रिकमेंड की ले लो, क्योंकि आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे यू कैन रेज अ हैंड एंड टॉक टू एजुकेटर्स इन लाइव क्लासेस, यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड क्विज़ेस, यू गेट एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनी टाइम एनीवेयर, यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स एंड एनी एलुमनाई, यू गेट एक्सेस टू वीकली इवेंट्स, यू गेट एक्सेस टू नेशनल मॉक टेस्ट एंड वीकली सेक्शनल टेस्ट. क्लैट प्लस प्रोग्राम के अलावा वी ऑल्सो कम अप विद क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम, जहां आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो प्लस में मिलते हैं. इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सॉल्विंग रेज अ हैंड में प्रायोरिटी एक्सेट्रा. डिपेंडिंग अपॉन आप कितने टाइम का मेंटरशिप सेशंस, कितने टाइम का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको दैट मेनी नंबर ऑफ मेंटरशिप सेशंस मिलते हैं, जैसे 3 महीने में 18 सेशंस, 6 महीने में 36 सेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मिस्टर अनमोल गुप्ता, मिस्टर अंशुल बत्स, ये आपके मेंटर्स हैं, AIR रैंक होल्डर 3 और 24 रिस्पेक्टिवली हैं, ये NLS बैंगलोर के स्टूडेंट्स रहे हैं. ऑल्सो जो वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आप खुद अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से प्री बुक कर सकते हो स्लॉट्स अपने मेंटर्स के साथ, एंड ऑल्सो जो मेंटर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं डाउट सॉल्व करने में, एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करने में आपके साथ, पर्सनलाइज गाइडेंस देते हैं वो आपको, फीडबैक वो आपको प्रोवाइड करते हैं, दे हेल्प यू क्रिएट अ स्टडी प्लान स्पेशली फॉर यू, एंड ऑल्सो जो ये मेंटरशिप होता है दिस इज मोस्टली डन इन अ लैंग्वेज ऑफ योर ओन प्रेफरेंस. सो ऑल दीज आर सम बेनिफिट्स. ऑल्सो अगर आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो स्पेशली अगर आप क्लैट 2022-23 एस्पिरेंट्स हैं तो हम आपके लिए कुछ बैचेस लेके आ रहे हैं स्पेशली फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जैसे लीगल रीजनिंग के लिए वी आर कमिंग अप विथ लर्न लीगल बैच जो कि 23rd मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में होगा ये बैच. इसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स के लिए वी आर कमिंग अप विद लर्न जीके एंड करंट अफेयर्स बैच जो कि 23rd मार्च से स्टार्ट होगा, अगेन इंग्लिश में होगा ये बैच भी. और अगर रीजनिंग के लिए वी आर कमिंग अप विद लर्न रीजनिंग बैच जो कि अगेन 25th मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में होगा ये. सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज बैचेज अगर आप 22-23 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है. ऑल्सो अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये रहे आपके प्राइसेस, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये रहे आपके प्राइसेस. यू कैन पिक एंड चूज व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड लाइक आई टोल्ड यू इफ यू यूज माय कोड लॉयर अप तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड अभी 24th से 26th मार्च के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एडिशनल ₹1000 ऑफ मिलेंगे आपको, ठीक है. सो दीज ये एक ऑफर है जो अभी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, सो इफ यू थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन प्लीज 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 डू दैट. And also there is going to be a price rise very very soon. So if you're thinking of taking a subscription, please do it as soon as possible. Especially with the special offer going on, use my code LAWYERUP to get 10% flat off. ठीक है. Also CLAT और ELIT के dates announce हो गए हैं. So we are coming up. I've already told you about the batches that we are coming up for the so that you can make the most of your preparation. Also हर दिन शाम के 5 बजे educator curated tests होते हैं for CLAT, जिसमें अलग अलग जो top के educators हैं उन्होंने आपके लिए अलग अलग tests curate किए हैं जो कि अलग अलग दिनों पे होते हैं. 20 minutes का test होता है, 20 questions for 20 marks, and that's that. Coming back to our topic of discussion. अच्छा लास्ट में लास्ट डे हम ये सारी चीजें ना लास्ट डे रेमिनेंस करेंगे, लास्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है. अभी वी हैव सम डेज, सो लेट्स जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट. सो द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम दे took into consideration the CEDAW convention. CEDAW convention jo hai, it's basically convention on the elimination of all forms of discrimination against women. Ye bahut bahut important convention hai. India iska party bhi hai. So Supreme Court ne is convention ke andar they saw this convention and they passed a set of guidelines taking this convention into consideration, jisko hum popularly Vishakha guidelines ke naam se jante hain. To guidelines unhone kya pass kiya, pehli cheez ki duty hogi employer ki ya koi bhi responsible person jo hai us workplace mein ya institution ki aise sexual harassment ke incidents na ho workplace pe, ठीक है. एंड ऑल्सो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो उसके रेजोल्यूशन और सेटलमेंट के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करे, ठीक है. सो ये पहला गाइडलाइन. दूसरा था कि एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत नेसेसरी है कि वो प्रिवेंटिव स्टेप्स लें, ठीक है. ऐसा नहीं कि
ऑब्वियसली रिड्रेसल भी होना चाहिए. अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया है तो डेफिनेटली उसका उसका रेजोल्यूशन कैसे करना है, रिड्रेसल कैसे करना है, वो भी होना चाहिए. बट साथ साथ में ऐसे स्टेप्स भी लेने चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स हों ही ना, ठीक है, प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, ऑल्सो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एज डिफाइंड अबव, जो हमने डेफिनेशन देखा अभी सेक्शुअल हैरेसमेंट का. सो द एम्प्लॉयर्स हैव टू मेक श्योर कि इस तरह के सेक्शुअल हैरेसमेंट की एक्टिविटीज जो है वो प्रोहिबिटेड हों, एंड प्रोहिबिशन है ये एम्प्लॉयर का काम है नोटिफाई करना, पब्लिश करना, सर्कुलेट करना अप्रोप्रिएट वेज में, ताकि हर किसी को, एवरी पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन नोज कि ये सारे एक्ट्स जो हैं ये सेक्शुअल हैरेसमेंट के एक्ट्स हैं एंड ये करना एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है, सो दैट इनको प्रिवेंट किया जा सके. ठीक है, उसके बाद द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बॉडीज रिलेटिंग टू कंडक्ट एंड डिसिप्लिन शुड इंक्लूड रूल्स रेगुलेशंस प्रोहिबिटिंग सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड प्रोवाइड फॉर अप्रोप्रिएट पेनल्टीज इन सच रूल्स अगेंस्ट द ऑफेंडर. सो ये सारे गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, विशाखा गाइडलाइंस के पॉइंट्स हैं ये, कि जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, पब्लिक सेक्टर बॉडीज हैं, उनके जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहिए कि सेक्शुअल हैरेसमेंट जो है वो प्रोहिबिटेड है और अगर कोई करता है तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगी. तो ये चीज भी मेंशन होनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बॉडीज हैं उनके. उसके बाद अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशंस शुड बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क, लेजर, हेल्थ, हाइजीन टू फर्दर इंश्योर दैट देयर इज नो हॉस्टाइल एनवायरमेंट टुवर्ड्स वुमेन एट वर्क प्लेसेस. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्क को लेकर के, लेजर को लेकर के, हेल्थ हाइजीन को लेकर के अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करने चाहिए सो दैट जो वुमेन हैं उनकी तरफ हॉस्टिलिटी ना हो इन देयर वर्क प्लेसेस. ठीक है, उसके अलावा कोर्ट ने ये भी बोला कि क्या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट हो सकती हैं. मान के चलो कि कोई कंडक्ट जो है इट अमाउंट्स टू अ स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड या अंडर एनी अदर लॉ, तो एम्प्लॉयर का की ड्यूटी है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले एज पर द लॉ. एम्प्लॉयर का काम है कि वो फाइल करे या असिस्ट करे अग्रीव्ड को इन फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए इन विशाखा गाइडलाइंस. ऑल्सो ये भी बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर खुद एक रिड्रेसल कमिटी होनी चाहिए इस तरह के इंसिडेंट्स को एड्रेस करने के लिए. ये कमिटी जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे दैट वेदर द डेमोन्स्ट्रेशन एस्टैब्लिशेस एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड और सम अदर लॉ. सच अ कमिटी must have women as more than half of its members and its head must also be a woman including a counseling facility. So ye jo committee hai which has to be set up in every organization so that there should be a place jahan pe redress kiya ja sake in events ko. To jo committee banegi bhi usme at least aadha ya aadhi se zyada members jo hai uski women hongi and also jo head hogi is committee ki that would also be a woman and also there would be a counseling facility for such people jinke sath aisa kuch incident hua hai. Also ek report jo hai ye government ko bhi bheji jani hai annually on the development of the committee. ठीक है, तो गवर्नमेंट को भी एक रिपोर्ट हर साल भेजना है कि इस कमिटी का क्या डेवलपमेंट है, क्या क्या काम हुआ, जो भी केसेस वगैरह रिपोर्ट हुए वगैरह वगैरह उसको लेकर के एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को भी भेजना है. उसके बाद द बिजनेस शुड टेक प्रॉपर मेजर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द सेड इशू. प्रॉपर ऑब्वियसली अवेयरनेस होगा तभी प्रिवेंशन हो पाएगा, राइट. सो अवेयरनेस भी फैलाने का पूरा जो जिम्मा है वो है उस बिजनेस का, दे हैव टू डू दैट. ऑल्सो द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वेस्टेड टू कंसिडर adopting suitable measures including legislation to ensure that the guidelines laid down by this order are also observed by the employers in private sector. So last mein court ne ye bhi bola ki ye sari cheeze to hum keh rahe hain but central ya state government ka bhi ye kaam hai ki wo suitable legislation leke aaye taki is cheez ko aur बेटर तरीके से एड्रेस किया जा सके, इस प्रॉब्लम को और बेटर तरीके से एड्रेस किया जा सके. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि विशाखा गाइडलाइंस के अंदर दिए गए थे. नो, विशाखा गाइडलाइंस अभी के टाइम पे दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बिकॉज नाउ वी हैव अ लेजिस्लेशन. वी हैव द सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013. इसको पॉश एक्ट भी बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एक्ट. ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सब समझ में आया. विशाखा गाइडलाइंस जो है इट टुक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द सीडॉ कन्वेंशन एंड उसके बाद उसमें जो भी पॉइंट्स लिखे गए थे, जो भी पॉइंट्स बोले कोर्ट ने कि गाइडलाइंस किस तरह के गाइडलाइंस हैं, क्या जो एम्प्लॉयर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, क्या उनको करना है फॉर प्रिवेंशन, रिड्रेसल एट्सेट्रा ऑफ सच केसेस,
तो ये सारी चीजें जो है गाइडलाइंस में लिखी कोर्ट ने. एंड ऑल्सो लास्ट लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि ये गाइडलाइंस अपनी जगह है, बट स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है कि दे हैव टू कम अप विद अ लेजिस्लेशन, प्रॉपर लेजिस्लेशन, सो दैट दीज थिंग्स आर एड्रेस्ड इन अ मच मच बेटर मैनर. ठीक है, सो इज दिस क्लियर? यहाँ तक सबको सब समझ में आया? इज इट क्लियर सो फार गाइज? ओके ग्रेट. सो ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी, इट लेड इट्स फाउंडेशन ताकि अल्टीमेटली आई विल मिस यू गाइज टू, आई विल मिस यू गाइज टू अ लॉट. विशाखा गाइडलाइंस जो है, इट लेड इट्स फाउंडेशन फॉर दिस एक्ट, सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013. तो इस एक्ट के हिसाब से बेसिकली मेजर चीजें इस एक्ट में क्या हैं, दीज या दीज केसेस आर इम्पोर्टेंट, तभी तभी मैं डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, सो अल्टीमेटली इस एक्ट में क्या ले डाउन किया गया कि अगर कोई भी ऐसा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सो एम्प्लॉयर्स विथ 10 और मोर देन 10 एम्प्लॉयज़, दे आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. ठीक है, हर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयर का काम है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी सेटअप करें, ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएं, अवेयरनेस सेशंस वगैरह करें सेक्शुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, सो एन अग्रीव्ड वुमेन, अगर सपोज किसी के साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, वो एक रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकती है इस इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के पास फ्रॉम 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट. सो 3 महीने के अंदर अंदर शी कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, एंड इन केस ऑफ सीरीज ऑफ सच इंसिडेंट्स विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट सच इंसिडेंट. सो कोई अगर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है किसी किसी वुमेन के साथ, तो वो एक रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकती है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द इंसिडेंट. और अगर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं उनके साथ, जो भी लास्ट इंसिडेंट था उसके विद इन 3 मंथ्स शी कैन फाइल अ कंप्लेंट. हाउएवर ऑल्सो अगर डीले भी होता है कंप्लेंट फाइल करने में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सो उनको 3 महीने का और समय दिया जाता है इन दैट केस. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि 3 महीने खत्म हो गए तो अब वो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट अ केस लाइक सेक्शुअल हैरेसमेंट, जहाँ पे एवरीबडी जिसके भी साथ हुआ है, शी नीड्स टू गैदर दैट मच करेज, शी नीड्स टू असेस री असेस अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, एंड इट्स अल्टीमेटली इट्स अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस टू गो थ्रू. सो ऐसा नहीं है कि 3 महीने अगर लैप्स हो गए तो फिर कुछ किया नहीं जाएगा. एडिशनल 3 महीने का टाइम दिया जाता है, एडिशनल 3 महीने का टाइम दिया जाता है इन दैट केस फॉर हर टू फाइल अ कंप्लेंट. ठीक है, उसके बाद जो फाउंडेशन क्या था इस एक्ट का, तो इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड अराउंड 3 फाउंडेशंस, 3 फाउंडेशंस के अगेंस्ट ये के साथ ये एक्ट जो है इसको डेवलप किया गया है. पहला कि सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू वर्क विथ ह्यूमन डिग्निटी गारंटीड अंडर आर्टिकल्स 14, 15, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो फाउंडेशंस क्या हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के, कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू वर्क विथ ह्यूमन डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी. तो अगर सेक्शुअल हैरेसमेंट होता है वर्क प्लेसेस पे, तो वो इन इन आर्टिकल्स को वायलेट करता है. दूसरी चीज़, इन एडिशन, फेलिंग टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट एंड नॉट एबल टू सेव देयर राइट टू वर्क विथ डिग्निटी वेंट अगेंस्ट द यूनिवर्सली रिकोगनाइज ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सीडॉ, विच हैज़ बिन रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देयरफॉर पॉश एक्ट इज एन अटेम्प्ट टू ओवरकम दीज शॉर्टफॉल्स. सो सीडॉ, जैसे मैंने बताया कि जो कन्वेंशन है उसको इंडिया ने रेटिफाई किया है, 1993 में ही उसको रेटिफाई किया है. तो अगर इस कन्वेंशन का पार्टी होने के बावजूद अगर इंडिया में कुछ भी ना किया जाए टू प्रोटेक्ट वुमेन का राइट टू वर्क विथ डिग्निटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये इन इस कन्वेंशन के भी अगेंस्ट चला जाएगा, राइट? सो देयरफॉर ये पॉश एक्ट जो है, इट इज़ एन अटेम्प्ट कि हम जो है कंप्लाई करें इस कन्वेंशन के साथ, एंड जो भी शॉर्टफॉल्स अभी तक थे उसको हम ओवरकम करें. ठीक है, पनिशमेंट इज गिवन आयुष, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में. ठीक है,
आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ऑफ सराउंडिंग्स वो डिपेंड करेगा, जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है जिस उनके पास अगर जब वो केस जाता है, तो आई थिंक डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ही फिर सारा मैटर जो है वो सुना जाएगा. सो डेफिनेटली किसी भी केस में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है यार. ठीक है. सो तीसरी चीज, पॉश एक्ट जो है ये विशाखा गाइडलाइंस का एक्सटेंशन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 1997 में, विच वॉज लेड डाउन फॉर डीलिंग विद सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पेंडिंग फॉर्मल लेजिस्लेशन. ठीक है. सो फॉर्मल लेजिस्लेशन चूंकि तब नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये विशाखा गाइडलाइंस दिया था जो कि फॉलो किया जा रहा था, और पॉश एक्ट जो है वो उसका ही एक एक्सटेंशन है. ठीक है. सो ये जो है फाउंडेशंस हैं इस एक्ट के. नाउ पॉश एक्ट के अंदर जो सेक्शुअल हैरेसमेंट है ये किस तरह से डिफाइन किया गया है. सो इट कैन इंक्लूड एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन. सो काफ़ी ब्रॉड है सेक्शुअल हैरेसमेंट का जो परव्यू है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इस पर्टिकुलर एक्ट में. कि एक, अभी हम देखेंगे कौन से एक्ट्स, इनमें से एक या एक से ज़्यादा एक्ट्स अगर कोई करता है, अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर कोई करता है, डायरेक्टली करता है या फिर इम्प्लाई भी करता है कि वो कर सकता है सामने वाले के साथ ऐसा कुछ. ठीक है. तो वो सारी चीजें जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएंगी. जैसे कि इफ अ वुमेन वर्कर सफर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, अगर कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस करने की कोशिश करता है. दूसरी चीज, अगर डिमांड या रिक्वेस्ट किया जाता है उससे सेक्सुअल फेवर्स के लिए. तीसरी चीज, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स वगैरह उसके तरफ कोई करता है, अगर उसको पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश की जाती है अगेंस्ट हर विल. उसके अलावा अगर इफ शी फेसेस एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर. नाउ ये जो है ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऐसे वाइड रेंजिंग चीजें हैं जो कि इसके अंदर आ सकती हैं. जैसे कि कुछ और सर्कमस्टांसिस और बिहेवियर अगर हम देखें, तो सपोज इफ अ फीमेल वर्कर फेसेस इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, और इफ शी रिसीव्स इम्प्लाइड और डायरेक्ट थ्रेट ऑफ एडवर्स ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट. ये सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएंगी. ठीक है. कि अगर ये एडवांसेस वगैरह करने की कोशिश की गई इस चीज, इस प्रॉमिस के साथ, इम्प्लाइड या एक्सप्लिसिट इस प्रॉमिस के साथ कि उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा अपने एम्प्लॉयमेंट में, या फिर इस थ्रेट के साथ कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होगा इन हर एम्प्लॉयमेंट, शी विल बी गिवन सम वेरी एडवर्स ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट. उसके अलावा इफ शी सीज इम्प्लाइड और ऑब्वियस थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर उनको ऐसा लगता है, इफ दैट वुमेन फील्स कि अगर शी डज नॉट कम्प्लाई टू वट एवर इज बींग आस्ट ऑफ हर, उस अभी या बाद में कभी फ्यूचर में भी उनका उनके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे फर्क पड़ सकता है. उसके अलावा इफ देर इज एन अनड्यू इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और सर्कमस्टांसिस डिजाइन टू क्रिएट एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट फॉर हर. उसके अलावा अगर अनड्यू तरीके से इंटरफेरेंस किया जा रहा है उनके काम के साथ, या जानबूझ के ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट किए गए हैं जिसकी वजह से वो इंटिमिडेट हों, या फिर सर्कमस्टांसिस जो उनके लिए ऑफेंसिव हों या उनके लिए हॉस्टाइल हों, और अगर उनके साथ किसी भी तरह का ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट होता है विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ मेंटल और फिजिकल एंड और हर सेफ्टी. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी काफ़ी ब्रॉड लिस्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सेक्शुअल हैरेसमेंट के अंदर आ सकती हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क प्लेस नहीं होता, वर्क प्लेस का भी स्कोप जो है वो काफ़ी वाइडन किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में, कि इट इंक्लूड्स एनी और ऑल यूनिट्स, ब्रांचेस, ऑफिसेस, सॉरी, इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्लेस विच इज विजिटेड बाई एन एम्प्लॉई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाई सच एंटिटी फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी. ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस के अंडर आएंगी. ठीक है. तो ये नहीं कहा जा सकता सपोज कि ऑफिस कई बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी गाड़ी वगैरह प्रोवाइड करती है, राइट. तो उस अगर मान के चलो उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट हो जाता है उनके साथ, तो जो इंस्टीट्यूशन है वो या कंपनी है वो ये नहीं बोल सकती कि यू वर नॉट एट द वर्क प्लेस, यू वर यू नो कम्यूटिंग, आप ये नहीं कह सकते. ठीक है. क्योंकि वो भी इंक्लूड होगा वर्क प्लेस के अंदर. हाय निमिषा. ठीक है. तो ये सारी चीजें जो हैं आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं डिफाइन की गई हैं. इज दिस क्लियर? हाई कॉपिस, इज इट क्लियर गाइज? यहाँ तक सबको सब समझ में आ रहा है? जल्दी से थम्सअप दे के बताओ इफ
सो मच इज क्लियर. एंड ऑल्सो प्लीज लेट मी नो इफ आई एम मूविंग क्वाइट फास्ट और इफ आई एम मूविंग एट एन ओके ओके पेस एंड आपको समझ में आ रहा है सब कुछ. थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम के लिए. क्यों प्राइम न्यू, अब तो डेट भी एक्सटेंड हो गया है. आराम से पढ़ो, आपके पास अब काफी ज्यादा टाइम है कंपैरेटिवली तैयारी करने के लिए. मत सोचो आगे, रिजल्ट का मत सोचो, जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम एंड प्रिपेयर, सब अच्छा होगा. ठीक है, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है इन सच केसेस, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है जब मान के चलो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को फाइल किया गया कोई कंप्लेंट, ठीक है, और कमिटी ने इन्वेस्टिगेशन किया और अगर ऐसा लगता है कि द कंप्लेंट इज फॉल्स और इट वाज फाइल्ड विथ मैलिफाइड इंटेंशंस, तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट द अग्रीव्ड वुमेन ऑल्सो. तो कई बार ऐसा भी होता है कि गलत फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल कर दिए जाते हैं, बट अगर ऐसा पता चलता है कि फॉल्स कंप्लेंट फाइल किया गया था तो उस वुमेन के अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं. ऑल्सो अगर सपोज ऐसा लगता है कि जो भी कंप्लेंट की गई थी वो प्रूव हो जाता है, ठीक है, तो जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी है इट अराइव्स एट द कंक्लूजन दैट द एलिगेशन अगेंस्ट द कॉन्ट्रोवीनर हैज बिन प्रूव, उसने सच में ऐसा कुछ किया है, तो ही विल बी सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शंस सच एज आइदर रिटन अपॉलोजी, वार्निंग, रेप्रिमांड और सेंसर, या फिर विथहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन, ठीक है, या फिर विथहोल्डिंग ऑफ पे राइज और इंक्रीमेंट्स, या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, या फिर ही हैज टू अंडरगो अ काउंसलिंग सेशन, या फिर कैरिंग आउट कम्युनिटी सर्विस, या फिर एनी अदर एक्शन स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट अडॉप्टेड बाई द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो जो इंटरनल कंप्लेन्स कमिटी होती है दैट कैन सब्जेक्ट द पर्सन हु हैज यू नो एलिजिडली जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और प्रूव हो जाता है कि इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो जो कंप्लेन्स कमिटी है वो ये सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस ले सकती है उस इंसान के अगेंस्ट. ठीक है, अमित, यस, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ठीक है, आपको इस एक्ट के मतलब जो अभी हम सिर्फ स्कोप की बात कर रहे हैं, आपको इसी से समझ में आ रहा होगा कि इस एक्ट में कोशिश की गई है कि हर एक चीज जो है वो इसके अंडर में आए एंड वॉट एवर सर्कमस्टांसिस द वुमेन इज इन देर देट शुड बी यू नो फ्री फेयर, नॉट फ्री फेयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हर सर्कमस्टांसिस. सो या सो डिपेंडिंग अपॉन इफ द वुमन बिलोंग्स टू अ रूरल एरिया जहाँ पे इट माइट बी अ रेगुलर अफेयर फॉर हर, या फिर इफ अ वुमन इज एजुकेटेड जिसके साथ मान के चलो कभी कभी ऐसा कुछ हो गया, तो देर आर यू नो प्रोविजन्स जो कि दोनों चीज़ों के साथ उस हिसाब से डील करेंगे. ठीक है, सो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो जो जो वुमेन है उसके अगेंस्ट, अगर कंप्लेंट ट्रू है तो जो भी जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया गया था उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं. ऑल्सो कॉम्पेंसेशन जो दिया जाता है वो उस औरत को वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, कॉम्पेंसेशन किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है, पहला जिस भी तरह का मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज हुआ है अग्रीव्ड एम्प्लॉय को. किसी का क्वेश्चन था अभी ये पहले, राइट, आई थिंक इट आंसर्स योर क्वेश्चन. सो ठीक है, सो जिस भी तरह का मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग, इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज हुआ है अग्रीव्ड एम्प्लॉय को उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन डिटरमाइन किया जाएगा. अगर लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी हुई है जो जो वुमेन है उसके साथ, अगर इफ शी हैड टू फेस लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, तो वो भी कॉम्पेंसेशन उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा. अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर करने पड़े थे विक्टिम को फिजिकल या साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट के लिए, या फिर इनकम एंड स्टेटस ऑफ द एलिजेड पर्पिट्रेटर, जो पर्पिट्रेटर है उसका इनकम और स्टेटस क्या है, और फीजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट इन अ लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स, कि एक बार में लमसम देना बेटर होगा या फिर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना बेटर होगा, ये सारी चीजें जो है कंसिडर की जाएंगी वाइल डिटरमाइनिंग वट एवर कॉम्पेंसेशन हैज टू बी पेड टू द वुमेन फॉर फॉर द एक्ट.
ठीक है. नाउ इन द इवेंट दैट द रिस्पोंडेंट फेल्स टू पे द अफोर्सेड सम, द इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी मे फॉरवर्ड द ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ द सम एज एन अरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. सो अगर मान के चलो जो रिस्पोंडेंट है वो नहीं पे कर पाता ये कॉम्पनसेशन, तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बोल करके लैंड रिवेन्यू में से ये सारी चीज़ें रिकवर, लैंड रिवेन्यू में से ये सम जो है ये रिकवर किया जा सकता है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट कॉम्पनसेशन. एंड लास्टली ये सारी चीज़ें जो है ये सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की. जो एम्प्लॉयर है या जो भी यू नो द पर्सन हु मैनेजेस द होल इंस्टीट्यूशन, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंटरनल कमिटी सेटअप करना और ये सारी गाइडलाइंस सबको पता हो, ये पब्लिश करना, प्रमोट करना, इन्फोर्स करना, ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड इफ़ सपोज एम्प्लॉयर पॉश एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं करता है तो एम्प्लॉयर के लिए भी देर इज अ पनिशमेंट. सो व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ द पॉश एक्ट? तो एवरी एम्प्लॉयर शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू 50,000 रुपीज अगर द एम्प्लॉयर फेल्स टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, दूसरा एम्प्लॉयर फेल्स टू टेक एक्शन इन रिलेशन टू द इंक्वायरी रिपोर्ट, false or malicious complaint, false evidence and reporting the number and details of the complaints. So, inquiry report agar nahi file kar paata employer kisi bhi wajah se, aur teesra aur kisi bhi provision ko agar employer jo hai contravene kar raha hai ya breach kar raha hai to uske upar ye penalty lagai ja sakti hai. ठीक है, सो एम्प्लॉयर की बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस इन केसेस में. एंड ऑल्सो इसके अलावा इट्स नॉट जस्ट 50,000 रुपये तक का फाइन, इसके अलावा इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस या विड्रॉल या नॉन रिन्यूअल या कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज द केस में भी. तो सिर्फ 50,000 रुपये तक का फाइन नहीं, उनके साथ ये सब में से कुछ भी किया जा सकता है. तो ये सब जो है ये सब पेनल्टी के अंदर आता है इफ the employer fails to comply with the provisions of the POSH Act. No, it can't be used against her, no. ठीक है, so this was all about the Vishakha case, Vishakha versus State of Rajasthan case, Vishakha guidelines case, and ultimately जो extension है उसका, which was enacted in 2013, which was enforced in 2013, the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act, popularly known as the POSH Act. ठीक है, so this is what this whole session was about. सबको समझ में आया सब कुछ guys? Is everything clear? I am from Bihar. सब कुछ समझ में आया सब कुछ? Please give me a thumbs up and let me know if this is clear, guys. Yes. Okay. Great. So with that, I will conclude this session. Just letting you know कि 27 मार्च को दोपहर के 3 बजे there is going to be a CLAT combat. इसमें आपको 50 questions answer करने होंगे 60 minutes में. And अगर if you win, you're going to get scholarships worth ₹1 crore. और उसके अलावा exciting rewards भी आपको मिल सकते हैं, Google Mini, JBL headphones, Bose smart watches, Amazon vouchers, etc. You can use my code LAWYERUP to enroll into this particular test also. ठीक है, ऑल्सो हर दोपहर को 12:30 बजे दिव्यम सर जो है ये सेशंस ले रहे हैं क्लैट करंट अफेयर्स का रिवीजन सीरीज, जहाँ पे जो एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स हैं आपके लॉन्ट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये डिस्कस किया जा रहा है. सो यू कैन गो अहेड एंड जॉइन दीज सेशंस इफ यू वांट टू. लाइव क्विज फीचर है अन अकेडमी ऐप पे, जहाँ यू कैन आइदर होस्ट अ क्विज एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू जॉइन, और यू कैन जॉइन अ लाइव क्विज दैट इज शेड्यूल्ड बाय एजुकेटर्स. ऑल्सो हर ऑल्टरनेट सैटरडे सुबह 11 बजे यूलैट का टेस्ट होता है, अन अकेडमी लो एप्टीट्यूड टेस्ट, 60 मिनट्स का टेस्ट होता है, 60 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स. इसके अलावा वीकली T20 टेस्ट होते हैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के. दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीबडी. एंड या बग्स बाउंटी फीचर है, जहाँ अगर आपको कोई भी अनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है इस वीडियो में आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन रिपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर इशू क्लेम योर प्राइस दैट अन अकेडमी हैज़ फॉर यू. एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो कल जो है बहुत सारी क्लासेज हैं वैसे तो, बट स्पेशल क्लासेज जो फ्री स्पेशल क्लासेज होती हैं अन अकेडमी ऐप पे, देर आर 2 free special classes. वन एट 1:30 PM जिसमें वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ क्विज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. एंड सेकेंड क्लास इज एट 7:30 PM जिसमें वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ क्विज अगेन. इट इज गोइंग टू बी अ पैसेज बेस्ड क्विज ऑन लीगल रीजनिंग. ठीक है, सो पैसेज बेस्ड क्विज ऑन लीगल रीजनिंग.
ठीक है, तो ये दो क्लासेस हैं कल के लिए शेड्यूल्ड, फ्री स्पेशल क्लासेस, प्लीज कम एंड ज्वाइन दीज क्लासेस, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होगा, काफी अच्छे क्लासेस होंगे ये. स्पेशल क्लासेस जो होती हैं इसके फीचर्स हैं, दीज क्लासेस आर रियली इंटरेक्टिव, पोल बेस्ड लर्निंग हो सकती है, रेज हैंड का फीचर है, यू नेवर मिस अ क्लास, क्योंकि आपको नोटिफाई कर दिया जाता है क्लासेस के बारे में. लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं भी, कभी भी, किसी भी डिवाइस से आप इन क्लासेस को देख सकते हो. हैप्पी बिहार डे आपको भी, ठीक है. सो दैट्स दैट. उसके अलावा और भी कल जो क्लासेस मैं आपको साथ में बताई देती हूँ. सो 9 AM पे देर इज अ प्लस क्लास, प्लस क्लास है वो. सो प्लस या आई या आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स जो है दे कैन ज्वाइन दिस क्लास. इट्स अ क्लास ऑन क्रिमिनल लॉ, ठीक है, क्रिमिनल लॉ के ऊपर ये क्लास है. यू कैन ज्वाइन दिस 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 कोर्स, एक्चुअली दिस कोर्स इज ऑन गोइंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस क्लास को. और उसके अलावा फिर 11 AM पे देर इज अ क्लास ऑन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है. सो देर इज अ क्लास ऑन एट 11 AM इंटरनेशनल लॉ पे, ये यूट्यूब पे होगा. और इसके अलावा फिर 1:30 PM पे देर इज अ फ्री स्पेशल क्लास, क्विज है. एंड 7:30 PM पे देर इज अनदर फ्री स्पेशल क्लास, वो भी क्विज है, ठीक है. सो दीज आर द फोर सेशंस विच आर शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, एंड आई विल लेट यू नो. इसका जो लिंक होगा मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, नेहा सिंह अन अकेडमी लॉ. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, प्लीज कम एंड ज्वाइन दिस सो दैट यू गेट नोटिफाइड विद द लिंक्स जब भी आई कम अप विद एनी सेशन लाइक दिस. एंड दैट्स दैट. Thank you so much for joining this particular session, guys. Being criminal, so many wrongdoers. I can sorry if I was intolerant. I read mostly about these kinds of cases abroad and their laws. Yeah, that's true. That's true. Which district? Patna. If a girl has been raped at the age of 12 and she has complained about it at the age of, yes. It will go under POXO. You have taught, it's all crystal clear. Thank you so much. Thank you so much, Manoj. That means a lot to me. And thank you so much, everybody else. If you really, really enjoyed this session, to please usko jaate jaate like kar dena. Please share it with your friends. Thank you again for taking out your time and joining me in this particular session. Subscribe to Unacademy Law. Hit the bell icon so that you get to know whenever your favorite educator comes live. And that's that. I will see you tomorrow. I will update you with my upcoming sessions or uske links very soon. So take care. Till then, have a very, very good night ahead. Take care and see you soon. Bye-bye.